भाई ले आओ क्यों ढोलक बाजा, नहीं तो इतने खाली बाजा है, कोई बात नहीं इतने चलाने का। चलो मैं इतने दो चुटकुले सुना देता हूँ। अरे 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 स्वागत स्वागत स्वागत। वैसे तो गाने की जहाँ तक बात है, गुलाब सिंह जी बैठे हैं, वो आपको बहुत मीठे गीत सुनाएंगे। पंडित जी मुझे बता देना कितना समय लेना है ताकि पीछे तैयारी हो जाए। अब इधर सेटिंग करोगे मैं दो चुटकुले सुना देता हूँ। वैसे तो आदरणीय महेंद्र सिंह जी मैं कई बार सुना चुका हूँ चुटकुले, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा सा साझा हो जाएगा। चुटकुलों की जहां तक जुगाड़ है वो व्यवस्था करनी पड़ती है, नहीं तो ऐसा तो सिस्टम ही नहीं कि हम वहां से चले और आदरणीय डॉक्टर सतबीर जी को कह दे कि प्रधानाचार्य जी हम आने लग रहे हैं, एक टोकरा चुटकुला का मंगा कर रखियो, हमने यूज करना है। वो तो वैसे ही सिस्टम है, पहले दूर से पता लगा करता ताऊआ वक्त ताई आवे, ड्रेस से पता लगता धोती कुर्ता खंड काटो गला बूढ़ा और खंड दामन चुंदड़ी चुंडा बोरला लागे ताई, दूर से पता लगता बर्थू गर्दाला मोलड़ मंग रामदारी अधारा सिंह करतार सिंह, नाम से पता लगता कि ये मर्द मानस है, मोटे मोटे पिंडे मोटे मोटे सातल मोटे मोटे बड़े बड़े थोबड़े, रीब के नाम सुन लो तारे चिंटू निंटू टिट्टू टोमी बिट्टू गुड्डू, नु नहीं पता लगता बालकन के नाम कुत्ते पिलू रहे नाम कर दिए। पहले कितने सुंदर सुंदर नाम आते थे हमारी माँ तो बहने के पतासो, नाम से पता लगता कि बड़ी सुंदर सी बड़ी क्यूट सी लेडी रही होगी, ये भी मॉडर्नाइजेशन उसमें होगी, पता सुन स्वीटी कहन लग गए गुलाबन रोजी कहन लग गए सुनहरी ने गोल्डी कहन लग गए बिलबिले बिलबिले बड़कन पप्पू कहन लगे सनकले सनकले सुन्नी कहन लगे इन्हें अपनी वतन। अब ठाने ठाने से तो मर्द मानते थे घी दूध खाते हैं इसलिए तगड़े थे, ईब खाओ मेरे बेटे चाउमीन, बोले चलो चाउमीन खाते हैं, छोटा कुछ नहीं पतली पतली टांग बीड़ी बीड़ी पजामी, अरे बांगे बांगे चलेंगे जान पीढ़ी के बंडल में दो पीढ़ी रह रही, सच्ची बात है पाछा सहे नहीं जानू कच्चा मकान का पितर हालता रखे सा खा, ये हमारी बेटियां भी ये रोटियां नहीं खाती, मम्मी कह के बेटा खाना खा लो, नहीं मम्मी मैंने दिन में सहेली के घर टिक्की खा ली, दिन में लंच होगा डिनर की भूख नहीं है, मेरे बेटा कितके अभी मेन्यू पैदा होंगे, पतली पतली टांग बीड़ी बीड़ी पजामी जानू साइकिल का पिंड कस्सी का पिंड पर साइकिल की टीप चला रहे, मेरा ये आधा चुटकुला किसी का लग गया तो माफी, हमारी बहने बैठी है मामला बदल गया, मैं ताऊ ताई की कुंधनी बड़ा गड़बड़ हो गया, छोरे बाल बधान लग गए बेबेर बाल कटान लग गए, एक आधी नाश करनी तो मैं कुत्ती के मिला के कटावे हैं, बुआए कट बोलो सनु बुआए कटे और वह कितनी रे फड़ लो बिना बाला की लुगाई तीसरे लगा जानो चिड़िया की पुंदड़ पाड़ के फेंक रखी, छोरा पानी पीने चला गया उसकी जगह की बुढ़िया बैठ गई, इतने माया ने बोले ताई कैसे बैठी, नवली बैठी भाई, ने बोले नहीं 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 माता जी तो मेरी सीट है, नवली बोला तेरी सीट है, सीट मोटर की मोटर रोडवेज की रोडवेज सरकार की सरकार मारी से, ने बोले री ताई री बोली माता जी मैं तो पाछे ताया छू, ने बोली वो तेरी माँ की गलती। अब चुटकला तो बेटा यहां से शुरू होगा, ये तो भूमिका थी, अब उसके सामने देखो कैसा लड़का बैठा, उसके सामने लड़का बैठा इमेजिनेशन करो, बड़े बड़े बाल उतारिया खोया पपड़े दो निकट कानों में मुर्की क्लीन शेव आड़ तक भी ठीक था, आधी बाया की लाल पीली छींट की कुर्ती, हाथों के भी मारिए बेबेर थ्रेडिंग थ्रूडिंग मतलब हाथों के भी बाल पड़ रहा, चितली आंगड़ी का नाखून बता के नू पालिश ला रहा और गलम में रिफड़ के कसूती गाडी लाल चुन्नी घेर रहा, बुढ़िया लिखाई सारी मोटर में फिर मुस्कुराई, अरे चलो सारी मोटर में एक सूत्री सी बहू तो पाएगी, वो छोरन बहू सोच के बुढ़िया उसके साइड में बैठ गई, बुढ़िया तो अपनी बात करेगी ना बेटी कौन सा काम पे रखी से तेरा बटी ऊ की करे से बच्चे कहाँ हैं, फिर लाया अंदाजा अब बहू गल के मैंने कहा टेक्निकल प्रॉब्लम बोलती क्यों नहीं, हाथा की तरफ लगाई तो चूड़ी को दिखी, बुढ़िया का तो दिमाग खराब हो गया, हिम्मत सी करके बिना चूड़िया के बुरे बुरे
काचे काचे उस छोरे का हाथ हाथ फेर के बुढ़िया शर्मा के बोली आए बेटी आए बहू तू भी मेरे की ढाल जमा जवानी अमरान होगी ये बराबर वाला नहीं बोला रही ताई छोरा से वो तो इंट्रोडक्शन देता नहीं समझ में आई नुमला ताई छोरा से नुमली चोखा रे बेटा इसके छोरा से ने फिर तो बेचारे की जिंदगी कट जाएगी छोरी को ना नु बोली वो और भी अच्छी बात है रेवड़ विधवा छोरी का छोरी होती तो बिरयानी मट्टी नहीं हो जाती इतने में छोरा समाजर चलती मोटर में कूद गया बुढ़िया ने तोड़ कर दिया चलती मोटर में कूद गया बुढ़िया ने बोली भाई रोई जनु बचेंगे तो पसंद किसी और का भी नहीं है उतरे पद से बताएंगे ना बोले तो छोरा था वो तो मर्द था न बोली बेटा वो मर्द था ना तुरता तरा ता नुथो तो मुच्छा का तेल लाए फिर है बहुत अच्छे अच्छे कलाकार बैठे हैं राइटर बैठे हैं मैडम बैठी हैं अलका जी सांपा की मोर्सी ये इनकी किताब का नाम है चलो एक छोटा सा गीत का बात वैसे तो मेरी मजबूरी है चुटकला चुटकला थोड़ा हंगा लगा बेटा मैं चुटकला सुना दूंगा फिर गीत गुलाब सिंह से सुन लेंगे चलो कोई नहीं मैं थोड़ी देर पहले आंकड़े के चुटकले सुनाए थे एक छोटा सा उस आंकड़े में से एक पीस माने आयर साहब आए इनको सुना देता हूँ बस भाई बस भाई बस जान लाग रही बेड़ी सड़क बरसात का मौसम चिक्कड़ हो रहा और आगे तो तूड़ का भरेंटर आ गया तोड़ेगा भरा ट्रक को जीटी रोड पे जगह नहीं छोड़ता डर का लगा कंडक्टर ने भाई नीचे उतर के गाड़ी बैक करा दे वो थकड़ा ने बोले तू जो 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 चिंता ना कर पाछे जगह है अभी करवा देता हूँ नीचे कूद दिया उसकी विशल पड़ गई उसमें कीचड़ फंस गया बोले पापा भैया मैं तो गार पड़ गई न्यू आन दे तो चल मैंने बोला चल दे चल दे चल दे इतना बस एक राउंड और भी लगेगा छोटा सा गीत सुना दूं अगर कोई साथी नहीं चलो मैं तो एक चुटकुला और सुना दूंगा चल जाएगा काम सवेरे के सुन लग रहे इसमें और चल जाएगा चलो कोई बात नहीं लेकिन एक शर्त है यू चुटकुला सुना बात ये कम से कम चार चुटकुले तारी माया ने सुनाओगे जाके आगे भी तो मेरा सिस्टम बैठे चलो मेरा जुगाड़ सा खराब हो गया तीन चार महीने पहले बाबा रामदेव मेरे गांव में पड़े मैं उनके पास चला गया मां ने बोला अच्छा घर वाली चली गई माँ जी घर वाली चली गई ने बोला खांसी जुकाम भी है हनी ले ले चल गया काम है? मां प्रीत भी दे देना जुगाड़ भी हो जाएगा सर चलो बेटा गीत सुनते लेकिन उस गीत से पहले मैं जो चार लाइनें सुनाऊंगा वो आपके चुटकुले का काम भी कर देंगे दो लाइन तो पंडित जगन्नाथ की लाइनें हैं कि यज्ञ हवन तप दान भजन बिन भी जो स्वर्ग की राई तिरगे ना यज्ञ किया ना तप किया ना दान किया ना कोई और धार्मिक आडंबर उसके बावजूद भी सीधे स्वर्ग में ऐसा कौन सा रास्ता अगली लाइन में बता दिया के यज्ञ हवन तप दान भजन बिन भी जो स्वर की राई तिरगे कौन के जो हंसते हंसते देश की खातिर जान नछावर करके एक भगत सिंह जी का गीत सुनाऊंगा भाई कोई सा रागनी वाला भाई थोड़ा टेक बोल लोगे तो मुझे पेट में थोड़ी गड़बड़ है सारा लग जाएगा नहीं तो ऐसे ही चलेंगे काम सरदार फौजदार जी की दो लाइनें और सुना करके मैं अपना गीत शुरू करूंगा उससे पहले गीत की भूमिका क्या है भगत सिंह की माँ भगत सिंह से मिलने जाती है और देखिए उस बहादुर औरत को जिसको ये पता है कंफर्म है कि तेरा बेटा चंद दिनों का मेहमान है ये कायर लोग अंग्रेज लोग छोड़ेंगे नहीं काला पानी लगा देते थे बेटियों
अंडमान निकोबार, आज भी कलकत्ता से जहाज में 35-40 घंटे लगते हैं। छोटा सा टापू, बड़ी बड़ी दीवारें, छोटी छोटी कोठड़ी, 4.5 फुट की कोठड़ी, बताते ना लेट सकता है ना बैठ सकता है, वहीं छोटी सी मोरी टट्टी पिशाब के लिए, वहीं खाना पीना, वहीं नहाना। और वो हमारे वीर खेड़ मार मार के वहां मर गए। उसको पता था कि या तो काला पानी लगा देंगे, नहीं तो फांसी लगाएंगे। उस माँ की हिम्मत देखिए कि जेल में जाकर के अपने बेटे को मोटिवेट करती है। उस वक्त का मैं गीत सुनाऊंगा, उससे पहले दो लाइनें फौजदार की कि मैंने पूछा हंसते हंसते फांसी कैसे चढ़ जाते थे, मैंने पूछा हंसते हंसते फांसी कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैर देखते अंगारों पर बढ़ जाते थे, सहमे तक नहीं तुम कभी हिमयुक्त जवानी देने में, अरे क्यों तुम कोडर नहीं लगा अपनी कुर्बानी देने में। लाइन एक बार फिर सुन लो कि मैंने पूछा हंसते हंसते फांसी कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैर देखते अंगारों पर बढ़ जाते थे, सहमे तक नहीं तुम कभी हिमयुक्त जवानी देने में, अरे क्यों तुम कोडर नहीं लगा अपना कुर्बानी देने में। हंसकर बोले शहीद, क्या बोले, हंसकर बोले शहीद के जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतंगा होता है, अरे जैसे देशभक्ति लो पर कुर्बान पतंगा होता है, मुझे मौत का डर नहीं लगता जब मेरे हाथ तिरंगा होता है। मुसीबत बेटा उम्र जवान में भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, ओ सो सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में सिंह
का जो किला बन रहा था उसकी नींव मजबूत बन रहा है, अब उसकी दीवारें बन रही है तेरे जैसे युवा चाहिए। Thank you.